हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। HTML के अंदर हम जो HTML का प्रोग्राम ये बनाने जा रहे हैं उसे हम बनाएंगे VS कोड पर। अब VS कोड पे प्रोग्राम बनाएंगे कैसे और चलेगा कैसे और किस तरीके से इसे हम रन करा के देख सकते हैं, अपने जो आपका ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर उस पर आप सीधा रन करा सकते हैं। कैसे ये सब होगा ये दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से VS कोड ये ओपन करेंगे, ये इस तरीके से नजर आएगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो ये आपको दिख रहा होगा फाइल, फाइल पे जाके आप एक टेक्स्ट फाइल ले सकते हैं। आप टेक्स्ट फाइल लेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक्सप्लोर पे क्लिक करना है और एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है। एक फोल्डर आप चाहे तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जाके न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर इस फाइल को चाहे तो आप कुछ नाम दे सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक हमने एक बनाया हुआ है index.html, तो इसी के अंदर इसी आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और कोड लिखा हुआ है, मैं इसे हटा देता हूँ HTML और इसी नाम से मैं इसे कर देता हूँ ओके। और अब आप देखेंगे कि ये जो है माई फाइल के नाम से ये फोल्डर हमने बना दिया। अब इसी के अंदर जो है यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आ गया है। अब जब हम कोड लिखेंगे तो यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये HTML हो गया और यहाँ पे हेड लिखा हमने, यहाँ पे टाइटल पोर्शन आएगा तो ये टाइटल हो गया। और टाइटल में हम क्या दे देते हैं, यहाँ पर टाइटल में मैं दे देता हूँ माई होम पेज, होम पेज ये मैं टाइटल में दे देता हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टाइटल को क्लोज करेंगे, फिर एंटर करके नीचे आएंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे और यहाँ पर HEAD हेड कर दिया हमने, एंटर किया। अब यहाँ पर क्या करना है, बॉडी टैग को ओपन करना है इस तरीके से। और बॉडी में हम चाहे तो बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, तो ये BG कलर भी लगा दिया है। और कौन सा कलर रखेंगे, कोई भी कलर रख सकते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लू कलर कर देते हैं हम, तो ये कर दिया ब्लू, ठीक है। और अब चाहे तो इसे क्लोज कर सकते हैं और क्लोज करके अब एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आते हैं तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम एक टैग लगाने वाले हैं मार्क्यू, ठीक है। और इसका काफी जो है महत्व है मार्क्यू टैग का। तो आप देखिए यहाँ पर आप एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। मार्क्यू का एट्रीब्यूट होता है BG कलर, जैसे बॉडी का एट्रीब्यूट BG कलर होता है वैसे मार्क्यू का भी एट्रीब्यूट BG कलर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कलर क्या दे देते हैं हम यहाँ पे कलर देते हैं येलो, YELLOW। तो ये देखिए ये येलो कलर हो गया। और अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे ना वो रन करेगा, यानी अब जैसे मान लीजिए वेलकम टू होम पेज अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जैसे कि लिखा हुआ आ ही रहा है वेलकम टू होम पेज, तो अगर आप इसी को लिख देना चाहते हैं तो यहाँ पे चलिए इसी को लिख देते हैं, कुछ ना कुछ तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी कर सकते हैं हम इसको, ये कॉपी किया यहाँ पे, और अब इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर येलो कलर रखा है हमने, ये येलो कलर में हटाऊंगा, यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ GREEN, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन रहेगा, ठीक है। एक जगह येलो हो गया, दूसरी जगह ग्रीन हो गया। यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं, पैराग्राफ स्टाइल लगा सकते हैं, यानी पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल कर देता हूँ, और हम चाहते हैं ना कि इस बार जो है टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो, तो यहाँ पे STYLE स्टाइल कर दिया, इज इक्वल टू कलर करेंगे COLOR कलर, तो ये हो गया COLOR। और यहाँ पे कॉलर लगा करके, और कलर क्या करते हैं, कौन सा कलर हमें चाहिए, तो जैसे मान लीजिए ये कलर हम दे देते हैं यहाँ पर, ये एक नाम आप देख सकते हैं, ये कलर हमने दे दिया है और इस कलर का नाम है एक्वामैरिन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से कर सकते हैं, तो ये फॉन्ट साइज कर दिया है, और फॉन्ट साइज हम कितनी रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 50 रखना चाहते हैं तो यहाँ मैंने 50 pixel कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप टर्मिनेट करके इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, यानी डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर दिया है, और ये काम हो गया, देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना है, क्लियर। और अब बाकी की चीजें नीचे क्लोज होंगी, तो सबसे पहले तो हमें बॉडी ही क्लोज करना है, तो ये बॉडी क्लोज किया, देन HTML क्लोज करते हैं, तो ये HTML भी हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। अब इसको सेव करने की बारी है, तो इसको सेव भी कर लिया हमने। HTML जरूर लगाइएगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा, तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करिएगा और इस पाथ को कॉपी कर लीजिएगा। पाथ को कॉपी करने के बाद अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पर, तो ये ब्राउजर हमने ओपन किया है फिलहाल, तो ये हमारा क्रोम है, यहाँ से इसे ओपन करते हैं। तो CHROME क्रोम लिखा हमने, आपके पास जो भी ब्राउजर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये ओपन हो जाता है। अब फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करके आपको सीधा एंटर करना है, और एंटर करते ही आपको ये नजर आएगा, ठीक है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर इसकी साइज ग्रो नहीं हुई है, तो साइज के लिए जो कोडिंग लिखी गई है उसमें कहीं दिक्कत है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी कि कहाँ दिक्कत है, ठीक है। ये मार्क्यू BG कलर तो लगाया, ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्वामैरिन ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉटेड कॉमा है वो हट गया है। तो ये कंट्रोल वी दोबारा से करते हैं, और ये जो हमारी फाइल है इसको चलाते हैं,
तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है ये तो हमारा स्टार्टिंग वाला है, ये देख सकते हैं ये जो चल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला हमारा टेक्स्ट है उसको आप देख सकते हैं, टू माई होम पेज, ये जो आ रहा है ना ये काफी बड़े में आ रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको दिखाता भी हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू माई होम पेज, तो यहाँ पे वेलकम हट गया, तो यहाँ पे मैं WELCOME वेलकम भी लिख देता हूँ ताकि ये भी नजर आए। और जैसे जैसे इसकी साइज इंक्रीज करेंगे ना, जैसे मान लीजिए 50 है और 50 पे ये चल रहा है तो ये इस प्रकार से चल रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो अगर मैं इसकी साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसे मैं चलाता हूँ, दिखाता हूँ। अभी देखिए जो है वेलकम भी इसमें दिखाई पड़ने लगेगा, ये जो इधर से आ रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये वेलकम भी दिखाई पड़ेगा। इसका कलर भी आप बदल सकते हैं, तो यहाँ पर कलर को बदलने के लिए, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर जो है ठीक नहीं है, तो यहां पर हम कलर चेंज करते हैं, तो ग्रीन के बजाय यहाँ पे कर देते हैं रेड। रेड करेंगे तो समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्क्यू का जो बैकग्राउंड है उसे मैं ग्रीन के बजाय यहाँ पे रेड कर देता हूँ, और रेड करेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो वापिस से कॉपी पास करके फिर यहाँ पर आकर के और इसको हटाएंगे, और हटा करके अब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है रेड कलर में शो होगा, और तब जब ये ग्रीन आएगा तो ये आपको प्रॉपरली नजर भी आएगा। देखिए अब ये प्रॉपरली नजर आ रहा है। अब हमको इसकी साइज बढ़ानी है, ये जो आ रहा है ना वेलकम टू माई होम पेज, इसकी साइज बढ़ानी है, तो ये कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 50 पिक्सल की जगह 150 पिक्सल कर देते हैं, केवल इतना ही करते हैं 150 पिक्सल, और इसको सेव एक बार कर लेते हैं। और फिर अब दोबारा से इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए साइज ऑटोमेटिक ये बढ़ जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये वेलकम टू होम माई होम पेज जो लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, ये तो पहले मैंने दिया था वो तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी साइज कितनी बढ़ी हुई है, देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये कितना बड़े में आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से आप जो है डिजाइन करते समय दे सकते हैं, इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से करना है। ठीक है, इसमें और भी आप सेटिंग कर सकते हैं कि मार्क्यू जो है ये बिहेवियर इसका दे सकते हैं, ठीक है, या आप ये भी तय कर सकते हैं कि इसका जो स्क्रॉलिंग अमाउंट है वो कितनी तेजी से स्क्रॉल करेगा। अब ये कैसे तय होगा कि कितनी तेजी से स्क्रॉल करेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर आना है, और देखिए ये जो है ना यहाँ पर इसे मैं हटाता हूँ, मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट दूंगा यहाँ पे, क्या दूंगा स्क्रॉल अमाउंट, तो ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये हो गया स्क्रॉल AMOUNT अमाउंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जितना ज्यादा अमाउंट देंगे उतना ज्यादा ये तेजी से मूव करेगा, तो यहाँ अगर मैं 100 कर देता हूँ तो ऐसी स्थिति में इसको बहुत तेजी से मूव करना चाहिए। तो मैं इसी कोड को दोबारा से यहां से रिफ्रेश कर देता हूं और इसको चलाता हूं। अब इसमें जो आप देखेंगे तो जो अब देखिए ये कितने तेजी से मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निकलते ही गायब हो जा रहा है बहुत तेजी से, देख सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट 100 करने से क्या हुआ। इसमें चेंजेस और भी हो सकते हैं, जैसे ये जो कलर आ रहा है ना ये यहाँ पर एक्वा मरीन हमने दिया हुआ है, ये एक्वा मरीन के अलावा कोई दूसरा कलर दे देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कलर रेड कर दिया गया है, और अब इसको एक बार सेव कर लेना है, और सेव करके देन अब हमें चलाना है, तो देखेंगे कि इसमें चेंजेस फिर से होने लगेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये रेड आ रहा है, और रेड कितनी तेजी से ये मूव कर रहा है, और मूव करते ही इसके अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉलिंग अमाउंट धीमा करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे स्क्रॉल होगा। अगर मान लीजिए बहुत कम 10 कर दिया है, पहले 100 था, तो ये बहुत धीरे धीरे स्क्रॉलिंग करने लगेगा, आप देख पाएंगे इसको यहाँ से। देखिए अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ, तो देखिए इसका स्क्रॉलिंग जो इफेक्ट है ये कितने हद तक बदल गया है, अभी तक ये स्क्रॉल होकर आया नहीं है, यानी बहुत ही धीरे मात्रा में, बहुत धीरे धीरे स्लो जो है ये स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा आगे तक ये जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं आगे जाकर के ये गायब होता हुआ नजर आपको आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके इसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, देखिए स्क्रॉल कितने दूरी पे ये कर रहा है। यही चीज और अगर कम कर देंगे तो ये और कम तरीके से ये जो है स्क्रॉल करेगा, ठीक है। और इस तरह के स्क्रॉलिंग इफेक्ट और मजेदार जो है प्रोग्राम अगर आपको HTML में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।